चार आप देख रहे हैं इनकाउंटर न्यूज़। आजकल एक जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कि एक अध्यापिका को उसी की प्रिंसिपल द्वारा जाति सूचक शब्दों से उसे प्रताड़ित किया जाता है। यही नहीं, इसके अलावा इस समय वो अध्यापिका जो कि प्रोबेशन पीरियड में है, उसको यह भी धमकी दी जाती है कि तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड ख़राब कर दिया जाएगा। एक सभ्य और शिक्षित शहर चंडीगढ़ की हम बात करते हैं, जहाँ ऐसी इस प्रकार की गतिविधियाँ या एक्टिविटी होना एक जो कि बहुत एक चिंता का विषय है। जहाँ ये एक 18 सेक्टर मॉडल स्कूल की अगर बात करें, उसकी अध्यापिका हमारे साथ मौजूद है, मेधावी, जिसके साथ ये सारा वाकया हुआ। इसमें मेधावी जी हमारे साथ है, जो इन्हीं की प्रिंसिपल द्वारा प्रताड़ित की गई है। इसके लिए इन्होंने बहुत सा संघर्ष भी किया। संघर्ष करने के बाद, काफ़ी एजिटेशन करने के बाद उस पर मामला दर्ज किया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। मामला तो चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है, जिससे कि गवाहों में कहीं ना कहीं इंक्वायरी में वो दखल अंदाजी की जा रही है। इस समय मेधावी को आज या कल में एक और इनको थ्रेट भी आई है, एक इनको धमकी आई है, उसके बारे में आज मेधावी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उसी बारे में हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। मेधावी जी, पहले तो ये बताइएगा, जो अब धमकी आई है वो क्या है, किसने दी है और क्या कारण है उनके? सर, एक गीता पाल नाम की कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल है, जिन्हें मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ। उन्होंने मुझे बताया, वो मेरे घर आए थे 1 मार्च को शाम को 5 बजे, जबकि मैं घर पे मौजूद नहीं थी। वो बिना फ़ोन करे मेरे घर पहुँचते हैं, जहाँ मेरी बीमार सासुमा थी। उन्होंने उनको इस मामले में डराया धमकाया और केस वापस लेने के लिए कहा। तो मेरी सासुमा ने फ़ोन पे मेरी उनसे बात कराई। उसके बाद उस मैम ने मेरे को काफ़ी बार फ़ोन किया है, तो मैं किसी कारणवश उठा नहीं पाई। जबकि एक बार मेरी बात हुई तो मैंने उनको अपने पापा से बात करवाने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने आज मेरे को मैसेज लिखा है कि जो वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है, वरना मेरी मैं नौकरी से हाथ धो बैठूंगी। ऐसा उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक लंबा चौड़ा हिंदी में मैसेज लिखा है, और उन्होंने मुझे डराया कि ऐसी वीडियोस हैं, ऐसा कुछ है कि शिक्षा विभाग मुझे नौकरी से निकाल सकता है, मेरी नौकरी खतरे में है। जी, जी, तो इस तरह मुझे डराया जा रहा है। एक तरफ तो ये न्याय की मांग कर रही है, न्याय की मांग करने में जो अगर बात करें मनुवाद की, वो इस कदर हावी है कि निष्पक्ष जांच तक होने नहीं दे रही। यहाँ तक कि उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसको मनुवाद इतना हावी है कि अगर बात करें अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो मनुवाद कहीं ना कहीं अपना जो शिकंजा पूरा इन जो अनुसूचित जाति या जनजाति की बात करें तो उन पर पूरा उन्होंने कसा हुआ है। क्योंकि जो मेधावी का इस समय हम केस देख रहे हैं, कम से कम 1.5 महीने से ये अपने न्याय के लिए जूझ रही है, और वो इनको न्याय अब तक मिल नहीं पाया। एक बताइएगा, आप वो फ़ोन आपके पास है जिससे व्हाट्सअप से आपको जो धमकी आई है, आपको बता दें इसमें एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है जो इनको धमकी दे रही है कि इनका कैरियर स्पॉइल किया जा सकता है, इनको कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान हो सकता है। मैम, वो दिखाइएगा एक बार जो चैट है, क्या आप दर्शकों को दिखा सकेंगे? इसमें जो आप बने रहिए, देखिए अभी आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने चैट की है, जो उन्होंने धमकियां दी हैं। तो ये एक मिनट आप नज़दीक लाइएगा, ये देखिएगा। नहीं दिखा। चलिए, इसको हम आपको स्क्रीन पर आपको ये सारे जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो आपको अभी दिखाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये धमकी आपको किस समय आई है? सर, ये आज सुबह व्हाट्सएप पे आई है, पर 1 तारीख से ये मैडम भी मुझे इस तरह परेशान कर रही है, मेरे घर जाकर और मेरे कुछ समर्थकों से भी मिले। तो आज से पहले इस मैडम का कभी आपने कंप्लेंट किसी प्रकार करनी चाहिए? नहीं सर, एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि क्योंकि ये मेरे समर्थकों को मिलके उनको भी मेरे से दूर हटने को कह चुकी है, काफी लोगों को, कि मेरा साथ ना दें, ऐसा वो कर चुकी है। तो मैंने आज सुबह 100 नंबर पे फोन किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि इनकी रिटर्न कंप्लेंट मुझे देनी चाहिए, जो मैं आज दे दूंगी। तो ये जो आज जो व्हाट्सएप आया है, मतलब आप 1 तारीख से इंतजार कर रहे थे कि भी कोई ऐसा आपको पास सबूत आए जब कंप्लेंट करे, यही है? यस सर, और इससे पहले भी एक 16 सेक्टर के स्कूल के टीचर हैं, 16 मॉडल के, जिन्होंने मुझे 2-3 बार मुझे और मेरे हस्बैंड को मिलके डराने की और केस में समझौता करने के लिए दबाव बनाया। प्रिंसिपल मैम की तरफ से कहा गया है कि मेरे को एक्टिवा से जाती हुई एक्सीडेंट कराया जाएगा, मेरे पति को, मेरी फैमिली को हानि पहुंचाई जाएगी।
इसी तरह की स्टाफ मेंबर से भी काफ़ी मेरे को दबाने की कोशिश की जा रही है सर। रोज़ मैं काफ़ी एक डेढ़ महीने से ये जो टॉर्चर झेल रही हूँ, मेरे पे कंप्लेन वापस लेने का दबाव बना। बिल्कुल जी, देखिएगा आप सीधी तस्वीरों में इसमें देख रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको दबाया जाने की कोशिश की जा रही है, इनको केस वापस लेने के लिए दबाव कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अब आपकी क्या अगली कार्यवाही क्या रहेगी, जैसे अब आपके पास ये थ्रेट आई है, फोन पे थ्रेट आ चुकी है, इधर उधर से भी आपको बता रहे हैं कि दबाव मिल रहे हैं, तो आगे की कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? सर जितने भी थ्रेट्स आए इन सब की तो मैं कंप्लेन करूंगी, पर मैं बिल्कुल भी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा पीछे नहीं हटूंगी। किसी भी दबाव से, किसी भी डर से मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। मेरी इंसाफ की लड़ाई है, जो मेरे साथ गलत हुआ है 6.5 साल सह के बहुत हिम्मत करके मैंने ये कंप्लेन करी है, और ऐसे बहुत लोग होंगे जो नहीं कंप्लेन कर पाते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ जातिवाद तक नहीं है, न्याय अन्याय की है, गलत सही की है। तो मैं इसको पूरा लड़ूंगी जब तक मुझे जीत नहीं मिल जाती, चाहे मुझे अकेले लड़ना पड़े कितना तो भी न्याय जाना। अगर अभी अभी आप कह रहे कि न्याय आपको चाहिए, तो न्याय किस कदर आप चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं न्याय में आप? सर मैं चाहती हूँ जो भी कानूनन बनती कार्रवाई है वो की जाए, जिस तरह की एससी एक्ट में होता है कि एफआईआर के बाद तुरंत गिरफ्तार बनता है सबसे पहले, वो मैम को नहीं किया गया है। तो जो भी मैं चाहती हूँ कानूनन जो भी कार्रवाई है, जो संविधान ने, जो हमारे कानून ने हमें हक दिए, उसके तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल सही है, देखिए अपने न्याय के लिए अभी भी ये दर दर की ठोकर खा रही है और इनको न्याय अब तक मिल नहीं पा रहा है। आपको बता दें ये मामला 26 जनवरी का ये मामला है। 26 जनवरी को एक जो परेड ग्राउंड में इनका एक कार्यक्रम होना था, तो स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर आया, जिसके कारण या कोई खामियां रह गई, जिस कारण वो कहीं ना कहीं इनको जो अव्वल दर्जे पे आना था वो नहीं आ पाया, जिस कारण प्रिंसिपल ने इन्हें प्रताड़ित किया। यही नहीं, सभी टीचरों के बीच में इनको बुलाकर जलील तक किया गया, जिसके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने उस समय संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेने के बाद इन्होंने अगर उस चीज़ का पलटवार जवाब दिया तो उसके प्रति इनको नौकरी से प्रोबेशन पीरियड के दौरान उनका प्रोबेशन पीरियड ख़राब करने की धमकियां तक दी गई, जिस पर ये मानसिक तौर से इतना प्रेशराइज हो गई थी और हो गई थी कि उनको अटैक तक आया। मैडम वो अटैक वाला मेरे को थोड़ा सा अब दर्शकों को ये बताइए कि क्या पूरा मामला था वो समझाइए। 26 तारीख को जो स्कूल में हमारा रिपब्लिक डे का बच्चों का फंक्शन रहा था, तो उसमें थोड़ी सी टेक्निकल खामियां थी कि हमारा जो साउंड सिस्टम था प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, जिससे शायद मैम गुस्सा हो गए थे। तो हमें ये समझ नहीं आया, मैम ने मीटिंग में हमारे फंक्शन को काफ़ी भला बुरा कहा, फ्लॉप शो, जीरो और बहुत कुछ कहा। तो मैंने मैम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैम टेक्निकल एरर था, तो वो मेरी बात सुन के चिढ़ गए और मेरे को कहते बकवास ना कर, चुप हो जा। सारे टीचर के बीच में मेरी बेइज्जती करी गई और मुझे कहा गया तुझे कल देखती हूँ। 27 तारीख की बात है सर, 27 जनवरी 2023 को जब तीन टीचर ने, सीनियर्स टीचर ने, वाइस प्रिंसिपल मैम भी उसमें थे, उन्होंने मुझे डराया धमकाया कि तू जा मैम से सॉरी मांग तो वो तेरी ज़िंदगी बख्श देंगे, वरना तेरी लाइफ ख़राब होगी, क्योंकि रिटर्न वार्निंग निकाल के बैठे। मैं रोते हुए जब उनके ऑफिस में गई तो मैम ने मुझे कहा तुम चुड़ो की औकात नहीं है मेरे सामने बात करने की। दोबारा बोली जी जी सर, मैम ने मेरे को कहा, मैंने कहा मे आई कम इन मैम, तो शी सेड कि तुम चूड़ो की औकात नहीं है मेरे से बात करने की, और मेरे को कहते हैं कि हम जाते हैं जैसों को नौकर भी नहीं रखते हैं। और तो जब मैंने कल तेरे को कहा था बकवास ना कर तो तू मेरे सामने क्यों बोली, तूने मुझे नंगा किया सबके सामने, भरी सभा में तेरा नंगा नाच करवाऊंगी, तेरे जैसे कई चूड़े चमारे मैंने पहले भी बाहर फिकवाए हैं और तेरी यूनियन कुछ नहीं कर पाई है, और तेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई स्पोर्ट नहीं है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मैं बर्बाद कर दूंगी, तेरे खिलाफ मेल करवा ली, अब देख तेरी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़वाती हूँ, तू जावे कि बंदे बुला के आदमी बुला के तेने बाहर फेंकूं। तो इस तरह की धमकियां जो मुझे दी गई है। बिल्कुल सही है, ये देखिएगा आपने इनके इनसे सुना कि किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया, भरी मतलब सभी जहां टीचर्स वगैरह मौजूद थे उनके बीच में इनको प्रताड़ित किया गया। जब चंडीगढ़ जैसे सभ्य और शिक्षित जो शहर में अगर इस तरह की घटना होती है तो बहुत ही निंदनीय ये घटना थी, लेकिन उससे ज़्यादा निंदनीय ये हुआ कि अगर इस मेधावी इस अध्यापिका द्वारा आवाज़ उठाने की कोशिश की गई तो इसकी आवाज़ को दबाने के लिए आज हम देख सकते हैं आज 6 मार्च हो चुका है, यानी कि 1.5 महीने से ऊपर का ये समय हो गया है, उसके बावजूद आप ये देखिएगा कि इसको न्याय नहीं मिल पाया। इससे बड़ी निंदनीय घटना क्या होगी कि
चंडीगढ़ जैसे शहर में, हम अगर छोटे शहरों की बात करते हैं, कस्बों की बात करते हैं, गांवों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाटवाद कहीं ना कहीं हावी है और वह वहाँ माना भी जा सकता है, हो सकता है। लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहर में ऐसी घटना हो रही है। ऐसी ही एक घटना पहले मनीमाजरा के किसी स्कूल से भी सामने आई थी, जो आज 18 सेक्टर चंडीगढ़ के मॉडल स्कूल, जिसको मॉडल स्कूल माना जाता है, उसमें से ये घटना निकल कर आ रही है। तो ऐसे में शिक्षा का स्तर हम किस तरीके से मान सकते हैं कि बच्चों का शिक्षा स्तर कहीं ना कहीं उठेगा? अगर इसी सोच के साथ अगर अध्यापक और प्रिंसिपल ही जूझते रहे, तो ऐसे में जो हम बात करें तो बच्चों के कैरियर की बात करते हैं, बच्चों के भविष्य की बात करें, कैसे सुधार आ सकता है, ये एक बहुत सवालिया निशान इसमें खड़ा है। मैडम एक और बताइए, इसके बारे में आपने विभागीय जाँच की बात करें तो आपने विभाग में लिख के दिया कुछ? जी सर, मैंने अपने एजुकेशन सेक्रेटरी, डीएससी सर, डीओ मैम, सबको मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी थी। तो उसके बाद एक इंक्वायरी भी मार्क हुई थी। इंक्वायरी पे भी सर मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें भी मैम की फेवर की गई थी। तो और उसकी रिपोर्ट अभी तक मुझे नहीं बताई गई है कि क्या आई है। तो यानी कि ये माने कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, नहीं, क्योंकि बदली नहीं की गई। नहीं मैम, अनुसूचित जाति जो अधिनियम के अंतर्गत ये पर्चा दर्ज किया गया है, जिसमें गिरफ्तारी की बात करें तो सबसे पहले जो प्राथमिकता गिरफ्तारी की होनी चाहिए थी, लेकिन आज पर्चा दर्ज हुए भी तकरीबन हफ्ता होने को आ गया, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। जिस कारण मैडम उससे क्या असर पड़ने वाला है, क्या पड़ रहा है, वो थोड़ा बताएंगे? सर ऑब्वियसली अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे से कोई भी आवाज़ उठाने में डरेगा। यहाँ तक कि मेरी ट्रांसफ़र की मांग मैम के सपोर्टर्स के द्वारा, प्रिंसिपल राजबाला मैम के जो सपोर्टर है, जो उन्हें गलत में भी उनका साथ दे रहे, वो कह रहे कि मेधावी की ट्रांसफ़र कर दो। तो ऑब्वियसली आगे से कोई कंप्लेन करने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर आपने कंप्लेन करी तो आप ही निशाने पे होंगे, आपको ही प्रताड़ित करा जाएगा इस तरह से कि आप या तो आप सुसाइड कर लोगे, मेंटली परेशान होगे, या आप नौकरी छोड़ दोगे, या आपको मरवा दिया जाएगा। देखिएगा किस तरीके से आपने इनकी सुनी बात, कि यहाँ तक कि इसको इन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है कि ये सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएं या खुद ही नौकरी छोड़ दें, ताकि जो ये जाटवाद है, अगर बात करें इस समय हम बात करते हैं जाटवाद और एक अनुसूचित जाति वर्ग की किस कदर हावी हो रखा है, कि वो इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि अपनी गिरफ्तारी तक की उन्होंने रोक लगा रखी है। मनुवाद उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है, विभाग उसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, जबकि हरियाणा कैडर की ये प्रिंसिपल बताई जाती है, वापस हरियाणा इसको भेजा जाना चाहिए था, तत्कालीन प्रभाव के साथ उनको भेजा जाना था, लेकिन नहीं, अब तक वो उसी प्रिंसिपल की कुर्सी पे काबिज है। और जो गवाह जो बच्चे हैं या जो जूनियर टीचर्स हैं जो इसमें गवाह हैं, उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे केस में। इसीलिए अब तक ना तो प्रिंसिपल की जो गवाही हो सकी है, और इस समय जो मेधावी की बात करें, जो अध्यापिका की इनकी बात करें, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी जो न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही हैं। इनको न्याय दिलवाने के लिए कई जो समुदाय हैं, कई अनुसूचित जातियों के जो समुदाय बने हैं वो आगे आए हैं, अनुसूचित जाति जो एक आयोग है वो उसका इंटरफेयर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि मनुवाद इतना हावी है कि उसके बावजूद इस मेधावी अध्यापिका को अब तक न्याय नहीं मिल पाया। मैम अगर अभी भी आपको न्याय नहीं मिलता है, आपकी कंप्लेंट पे कंप्लेंट जा रही है, नहीं मिल पा रहा है, अगर नहीं मिल पाता आपको प्रॉपर न्याय, तो आगे तक आगे की ये क्या रणनीति रहेगी, आगे कहाँ कहाँ तक आगे जाएंगे? जी सर, अगर मुझे इस लेवल पे इंसाफ नहीं मिलता है पुलिस से या विभाग से, तो ऑब्वियसली आपको मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा। हमारे पास लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की पावर है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक मैं अपील करूंगी उनसे। यानी कि आप डट के मुकाबला करने को तैयार हैं? जी सर, मैं अंत तक करूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने सच की और इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ती रहूंगी। बिल्कुल सही है। देखिए इसके केस में चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक आयोग बनाया गया, एक प्रतिनिधिमंडल बनाया था जो इसकी निष्पक्ष जांच करता। उन्होंने अपनी जांच अपने डीओ को, ऑफिस को, डायरेक्टर को सौंप दी गई है। उसके बावजूद इस मामले में जो शिक्षा विभाग की कोई भी कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके लिए हम बहुत जल्द जो यहाँ के निदेशक हैं, जो डायरेक्टर एजुकेशन हैं, उनसे बात हम करेंगे, उनसे भी बात करके आपको बताएंगे कि आखिरकार इस मामले में इतनी ढील बरती गई है तो क्यों। ये एक बड़ा निशान है, जो सवालिया निशान, जिसके लिए आज हम मेधावी के इसमें मीडिया के सामने खड़ी हुई है। इतना लंबा समय इनको जो न्याय मांगते हुए हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इनको अब तक न्याय नहीं मिला। कई ऐसे जो सवालिया निशान
जो सरकार की प्रणाली पर प्रशासन पर खड़े होते हैं वो अभी भी वैसे के वैसे खड़े हैं। क्या कारण है कि एक जो अध्यापिका वो प्रिंसिपल ही प्रताड़ित करती है, एक प्रिंसिपल को क्या हक है कि वो उससे पर्सनल अपने घरेलू कार्य करवाती हैं, चाहे वो झाड़ू मरवाने के हैं, चाहे सब्जी खरीदने की है या कोई और कार्य होते हैं, तो आखिर क्या कारण है कि वो प्रिंसिपल ऐसे कार्य करवाती हैं? क्या अकेली एक ही मेधावी है जिससे ये सब कुछ होता है या जो चंडीगढ़ के और स्कूल हैं उनमें भी ऐसा होता है? ये कई ऐसे बड़े छोटे छोटे और बड़े बड़े से सवाल जिन पे सवाल ये निशान लगा हुआ है, उनके लिए पुष्टि के लिए बने रहें आप इनकाउंटर न्यूज़ के साथ जरूर।